Morning student, today I am going to teach class 10 history chapter 3 topic nationalism in India. And today we discuss about the civil disobedience movement. How participants saw the movement. Let us now look at the different social group that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? हमने ये देखा कि ये सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट जो शुरू हुए इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए. आखिर उनका शामिल होने का आखिर लक्ष्य क्या था, वो क्यों इसमें शामिल होना चाहते थे, उसके उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज का महत्व क्या था, क्या अर्थ था स्वराज का. In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jat of Uttar Pradesh were active in the movement. खास करके देहाती क्षेत्रों में जो अमीर किसान थे उनका जो समुदाय था जिसमें गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये लोग उसमें काफ़ी सक्रिय थे इस आंदोलन में. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. कारण था कि जो व्यावसायिक फसलें होती हैं, व्यापारिक फसल, वो उनकी दर गिर पड़ी थी, उनकी बिक्री नहीं हो रही थी और उनको अपनी आवक नहीं मिल पा रही थी. जिन्होंने पैसा लगाया खेती बाड़ी में उनको उनका प्राप्ति नहीं हो पा रहा था. As their cash income disappeared, उनके पास जो है नगद दी की कमी हो गई थी, नगद भुगतान हो नहीं रहा था. They found it impossible to pay the government's revenue. इस दशा में सरकार का जो कर था वो कहाँ से चुका पाते, और कर की मांग लगातार होती जा रही थी. And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. किसानों का ये भी मानना था कि अगर कर में कुछ कमी कर दी जाए तो वो कुछ राहत महसूस करें, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं बैठी थी. दिस रिच पीजेंट बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स. ये भी देखा गया है कि जो उस समय में जो अमीर किसान थे उन्होंने तो इसमें अपनी सहमति दी थी कि वो इस आंदोलन के साथ हैं, लेकिन ख़ास कर करके जो छोटे मोटे किसान थे उन्होंने इसमें अपनी काफ़ी दिलचस्पी नहीं दिखाई. कम्युनिटी एंड टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन द बायकॉट प्रोग्राम्स. लेकिन बाद के समय में जो बहिष्कार का आंदोलन चला उसमें लोग अनिच्छुक थे. फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. ये स्वराज की जो मांग हुई थी, जो ऊंचा राजस्व मांगा जा रहा था, उसके विरोध था. बट दे वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मोमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट बींग रिवाइज्ड. लेकिन उस समय किसानों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा जब 1931 में गांधी जी ने अपने इस सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को वापस कर लिया और जो रेवेन्यू रेट थे उसमें कोई कमी भी नहीं हुई. सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट. इसलिए जब ये दोबारा 1932 में सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उन किसानों ने उसमें अपना सहयोग देने से साफ मना कर दिया. द पुअरर पीजेंट्री वेयर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉर्डिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. खास करके जो गरीब किसान थे वो इसमें कोई दिलचस्पी ले भी नहीं रहे थे. मैनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेनेंट कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. छोटे किसान जो थे वो काश्तकार किसान थे कि दूसरे के खेतों पर किराए की खेती करते थे. उनकी अपनी कोई खेती तो होती नहीं थी
और उनको टैक्स तो बस अपने जमींदार को ही देना पड़ता था। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स ड्विंडल्ड द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। लेकिन जब उस समय में डिप्रेशन आर्थिक मंदी आई और लोगों के पास नगद पैसे नहीं बचे तो ये छोटे छोटे किसान की हालत तो और ख़राब थी कि वो कहाँ से ये कर भर सकते थे। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंड लॉर्ड टू बी रेमिटेड। उन्होंने बड़े ज़मींदारों को पेड करने से मना कर दिया कि भी कहाँ से चुकाएंगे। दिस ज्वाइंट ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मोवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। उन्होंने जो है जो उस समय में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे समाजवादियों का और कम्युनिस्टों का, उसमें वो जाके शामिल हो गए। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजन एंड लैंड लॉर्ड्स। इससे खास कर करके अमीर किसान और बड़े जमींदार काफ़ी परेशान हो गए। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। और कांग्रेस भी अनिच्छुक थे कि नो रेंट वाला जो मुहिम चल रहा था उसके साथ। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन। कांग्रेस ने उस समय बड़े अमीर किसानों की वकालत की, उसका साथ दिया। परिणाम ये हुआ कि उस समय के छोटे किसान जो थे वो कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाए और कांग्रेस के साथ उनका संबंध हमेशा के लिए खराब ही रहा। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। व्यावसायिक वर्ग जो थे उनके साथ क्या हुआ। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। उन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के साथ अपने आप को कैसे रखा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी, भारतीय औद्योगिक जो चलाने वाले लोग जो थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। काफ़ी प्रतिबंध होने के बावजूद भी उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। अब यहाँ के भारतीय व्यापारी क्या चाहते थे कि जो इम्पोर्ट हो रहा है बाहर से सामान, उसको घटाया जाए या उसको बंद किया जाए, इम्पोर्ट को हतोत्साहित किया जाए और ये जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है उसको सही किया जाए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इसी में उन्होंने भारतीय औद्योगिक जो है कमर्शियल कांग्रेस की 1920 में स्थापना की। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था शॉर्ट में फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1927 में, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला। इस फिक्की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसकी अगुवाई करने वाले जो नेता थे, जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें एक थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और एक थे जी डी बिरला। अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन, जो औपनिवेशिक शासन था, जो भारत के बाजार पे अपना कब्जा जमा हुए था, उसका वो पुरजोर विरोध कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। दे गेव फिनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने इस बात पे जोर डाला कि हम बाहर की सामान अपने कंट्री में इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे, उसको नहीं खरीदेंगे। मोस्ट बिजनेस मैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम वेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर। तो बहुत सारे लोगों ने स्वराज का साथ इसलिए दिया, उनको लगा कि स्वराज आ जाने से व्यापार पे जो प्रतिबंध है वो हट जाएगा। नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। बिना रुकावट के व्यापार फैलेगा, फूलेगा।
But after the failure of the Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के असफल हो जाने के बाद लोगों का उत्साह जो था इन व्यवसायियों का वो घट गया. दे वेयर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस. जो उस समय की जो घटनाएं घट रही थी, आतंकी घटनाएं घट रही थी, इससे वो लोग चिंतित थे. उनको डर था कि हमारा व्यवसाय इससे नष्ट ना हो जाए. एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग अस द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस के जो कुछ नए नेता थे उनमें एक चीज़ें पैदा हो रही थी, सोशलिज्म, समाजवाद, इससे भी वे डरे हुए सहमे हुए थे. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स. तो जो औद्योगिक घराने थे उस वर्ग के लोगों ने इस सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इससे पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फेल हो गया था इससे उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा. एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, लेकिन नागपुर के व्यवसायियों ने इसमें अपना साथ दिया. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कैम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर स्टेट अलूफ. कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो की कर्ता विमुड हो गए कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे. बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑबिडियंस मोमेंट. उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मोमेंट को अपना सपोर्ट दिया. अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम. गांधी जी के जो कार्यक्रम थे उनको उन्होंने अपनाया. लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो, एज अ पार्ट ऑफ देयर ऑन मोमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. जो कम मजदूरी मिलती थी, गरीबों की दशा बहुत ख़राब थी. दे वेयर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932. रेलवे मजदूर जो 1930 में हड़ताल किए और 1932 में जो गोदी में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनका साथ दिया गया. इन 1930 थाउजेंड ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर 18 मंथ्स वॉर गांधी जी कैप्स एंड पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बायकॉट कैंपेन्स. खास करके छोटा नागपुर के खानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने भी गांधी जी के स्वराज में साथ दिया और उन्होंने बायकॉट किया. बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स. लेकिन कांग्रेस जो है उन मजदूरों को अपने आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहती थी. डिमांड्स एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल इट फील दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इम्पीरियल फोर्सेस. उनको इस बात का खतरा लग रहा था, इस बात को डर महसूस हो रहा था कि इससे जो है सो एक व्यावसायिक वर्ग में और एक इम्पीरियल फोर्सेस के बीच एक विभाजन हो जाएगा मजदूर और ये व्यवसाय के बीच. एक तरह का खाई पैदा करने से स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है, व्यवसाय को घाटा लगेगा. अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन. हम ये देखते हैं कि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया. ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन कम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम. जब ये नमक सत्याग्रह चल रहा था तो बहुत सारी महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर गांधी जी की भाषण को सुनने के लिए तैयार थी. दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्चेज मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. तो जब ये नमक निर्माण हो रहा था, नमक कानून को तोड़ा जा रहा था, तो महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया. पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप्स. उन्होंने भी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर जा करके धरना प्रदर्शन किया. मैनी वेंट टू जेल. बहुत तो जेल भी गई. इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज. इन रूरल एरियाज दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड. मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेट ड्यूटी ऑफ वुमेन. खास कर करके हम ये भी देखते हैं कि ऊंची जात की जो महिलाएं थीं
या गांव की जो महिलाएं थी किसान, इन सबों ने गांधी जी के एक बुलावे पर जो है उसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये देश सेवा एक पवित्र कार्य है, उसमें महिलाएं अपनी भागीदारी देनी चाहिए। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजिशन ऑफ वुमेन। ऐसे कोई महिलाओं की स्थिति में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आया हुआ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गांधी जी वॉज कन्विक्टेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ। गांधी जी को महिलाओं के बारे में एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट रखते थे, वह कहते थे महिलाओं को जो है ना सो एक अच्छी माता होनी चाहिए, एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए और अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन। बहुत समय तक तो कांग्रेस महिलाओं को किसी तरह का पद देने को तैयार नहीं थी। ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनिज्म इट वॉज कीन ओनली ऑन दियर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। अगर कुछ महिलाएँ भी थी भी तो वो एक प्रतीकात्मक के रूप में। तो आज हमने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उसके इफेक्ट पढ़े, स्वराज का लोगों ने क्या क्या मीनिंग लगाया, कहाँ कहाँ उसमें व्यवसायी लोगों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों ने, तो सब के बारे में हमने देखा कि स्वराज के सभी सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से माने लगाए, और कुछ लोगों ने इसमें सपोर्ट किया तो कुछ ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ मुद्दों पे कांग्रेस जो है साथ थी तो किस मुद्दों पे कांग्रेस साथ नहीं थी। तो इस तरीके से इसके बारे में आज हमने जाना है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।